पद पर वो विराजमान हो उसके पहले की बात है कि उन्होंने ये कोटेश्वर की बात है, कोटेश्वर की बात कर रहे हैं। कोटेश्वर में इस प्रकार का प्रपोजल आया कि यहाँ पर अपना आश्रम बनाए कोटेश्वर। तो उस समय गंजाम प्रभु पधारे थे, महाश्री भी पधारे थे, तो उसकी एक शर्त रखी घनश्याम प्रभु ने कि भाई तुम्हें आश्रम बनाओ मैंने वांदो नहीं, पर मारा भक्तों ऊपर एक पैसा नो वजन नहीं होगी तो तुम्हें बढ़ा। तो जिन्होंने प्रपोज किया था वो इस बात के लिए तैयार हो कि ठीक है भाई, यदि आपका ऐसा आदेश है कि बिल्कुल एक पैसे का वजन भक्तों पर नहीं आए तो वो भी हमें स्वीकार। उस प्रपोजल को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आखिर में कैंसिल करना पड़ा कि गोपाल ने कहा कि मैं मेरे दंतराल को नहीं छोड़ सकती। इसलिए उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं। आप देखिए एक तरफ तो ये घटनाक्रम है ना, और दूसरी तरफ आप वो घटनाक्रम देखिए कि दीवाल बनी और प्रभु को छोड़ करके जाना पड़ा, और उसके बाद जंतराल की तरफ प्रभु ने मुड़ करके भी नहीं देखा। जो जंतराल उनको इतना प्रिय था, जो जंतराल उनको अपने प्राणों के समान प्रिय था, और जिस जंतराल के बिना वे अपनी कल्पना तक नहीं कर सकते थे, उस जंतराल की तरफ फिर वापस मुड़ करके नहीं देखा। प्रभु ने त्यागा मतलब त्यागा। प्रभु तो एक दो बार वापस गए, घनश्याम प्रभु तो एक दो बार गए, लेकिन गोपाल प्रभु कभी दूसरा नहीं। और वो कहते भी थे हमारे सामने का कि अपने तो आबाजू जवान छे, आबाजू हो जवान में, ऐसा बोलते हमारे सामने, हमने भी सुना कि अपने तो आबाजू जवान। तो देखिए कितना समर्पण कि प्रभु की आज्ञा मतलब आज्ञा, प्रभु ने त्याग दिया मतलब त्याग दिया, फिर उसके बाद उसकी तरफ जाने का कोई सवाल नहीं। इसी प्रकार से देखिए उनकी आज्ञा पालन का एक दो प्रसंग और मैं बताता हूँ आपको कि गोपाल प्रभु को आम बहुत प्रिय थी। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये न्यूज होगी कि गोपाल प्रभु को आम केरी बहुत प्रिय थी। ये भले हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम भी नहीं हो, लेकिन उनको आम बहुत प्रिय थी। तो वो जब भी केरी वगैरह आती थी तो वो बड़े उनका आदत थी, व्यवहार को वो जो है पूरी पूर्णता के साथ जीते थे। तो वो केरी जो है खरीदने में भावता वगैरह करते थे, बड़े शौक, बड़ा रस था उनको केरी लेने में, खरीदने में, खाने में, पीने में बड़ा रस था। तो एक बार शायद ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ होगा कि बस ये प्रसंग अपन पूरा करेंगे उसके बाद में। तो ये तो बाप जी ने कुछ फरमा दिया होगा, कुछ सामान्य बोले होंगे। तो गोपाल को ये लगा कि बाप जी उनके केरी वगैरह में जो ये रस है इससे थोड़ा सा नाराज जैसे। उस दिन का दिन कि केरी नाम की चीज उनकी जिंदगी में वापस नहीं आई। उन्होंने केरी खाना तो ठीक, केरी शब्द भी अपने जवान पर नहीं लाया। एक बार हमारे घर से हम सब कुछ हमारे यहाँ के उड़द की दाल को बहुत पसंद करते थे, तो हम उड़द की दाल बना करके ले गए थे, तो उसमें अंगूर डले हुए थे। तो वो उन्होंने खाई उंगली कहा कह रहे हाँ है ना, मतलब मैंने खा दी नहीं थी, मैं खाई उंगली थी जो उसको खाई।
तो तबीयत खराब हो गई, बाद में होश में आने के बाद शाम 4 बजे तक आता है। खाना खाने बैठे पूछा कि क्या बना है, और जैसे खाने बैठे वो गुलाब बन के देखा हाँ, एक दिन का बड़ा वो ऐसा प्रसंग था कि वो घटना वो तो वो लंबी कहानी बनेगी। अब मैं आऊँ वो इन्हें ऐसा इन्हें वो जो समाधि में चले गए थे भगवान, और फिर बाद में पधारे वापस, और वो खाना फिर खाना हमारे यहाँ से बन करके ना आया था ना, वो खाने के ना शुरू करने वाले थे और गुलाब बने के थे कहना में तो हम बोरे जैसे तो ऐसे कैसे थलिया लगा शाम को, यानी उस दिन ऐसे कुछ बनाव बने थे कि ठेठ शाम को जाकर के भोजन करने के लिए, सवेर का खाना शाम को, उस दिन आरती भी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ प्रसंग बन गया था। अब वो बहुत लंबा छोड़ा प्रसंग है, आपको सुनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो वो मतलब उस यानी ऐसा आम त्यागा मतलब त्याग, जंत्राल त्यागा मतलब त्याग, इस प्रकार से उनका यानी उनका। और एक प्रसंग और मैं आपको बस आखिरी ये है ना फिर खत्म, ये जो है अब आप देखेंगे इन्हें आज्ञा पालन, इन्हें आज्ञा पालन जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज्ञा पालन जो है अपने गुरु मार्ग का और गुरु संस्कृति की रीढ़ है। इन्हें यदि आप आज्ञा पालन में चुके तो आप पूरी आपकी गुरु संस्कृति से आप अलग हो जाते हैं। आज्ञा से बढ़कर के कोई दूसरी चीज ही नहीं दुनिया में, है ना। तो देखिए तो क्या हुआ कि बाप जी का अंतिम समय था और प्रभु ने जो है इन्हें विचार कर लिया था कि प्रस्थान करना है। इसलिए प्रस्थान करने के एक दो रोज पहले या एक रोज पहले वो मतलब बाथरूम में जाकर के बेहोश हुए, उसके पहले जब बातचीत वगैरह कर रहे थे उस समय उन्होंने गोपाल प्रभु को कहा था कि शंकर भाई आवे तुमने कई देवाने कि अपने कई लेव जीव नहीं, कुछ 100-150 रुपये या 1000-1500 रुपये बाप जी को शंकर भाई से लेना था। हाँ 700 रुपये लेना था। तो गोपाल प्रभु को आज्ञा दी प्रभु ने एक दो रोज पहले कि शंकर भाई आवे तुमने कई देवाने कि अपने कई लेव जीव नहीं लेव जीव नहीं, क्योंकि वो किसी प्रकार के बंधन को साथ में लेकर के जाने, ऐसे महापुरुष तो कोई बंधन बाल बराबर भी बंधन लेकर के नहीं जाने। तो उन्होंने कहा कि भी उनको कह दे, उसके बाद फिर प्रभु बाथरूम में पधारे, बेहोश हुए हॉस्पिटल में, और गुरु पूर्णिमा के दिन 8:25 को प्रभु ने प्रस्थान किया। अब आप देखें कि आप आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र 42, ये बच्ची जो है 42 ईयर्स की है ना। और जिस समय गोपाल प्रभु के जीवन में से घनश्याम प्रभु पधारे उस समय उनकी आप उम्र सिर्फ 40 वर्ष थी। अब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आघात, और आघात भी कैसा, जिस को परमात्मा से बढ़कर के परमात्मा मान करके प्यार किया, और जो उनका जीवन सर्वस्व था, जिनको एक क्षण के लिए भी अपने आंखों से ओझल होना मंजूर नहीं था, उनका प्रयास उनका प्रस्थान कितना बड़ा आघात होगा, कितनी बड़ी पीड़ा होगी, कितनी बड़ी यंत्रणा होगी, अपने जीवन तक को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए थे उस दुख में। ऐसे दुख के समय में भी जब शंकर भाई आए तो उस पीड़ादायक स्थिति में भी शंकर भाई को बुला करके और कहा कि भाई तुम्हारा भाई कहीं गया छे कि कहीं ले दिए। तो शंकर भाई ने कहा कि तुम आ वक्त ये भी बात करो छो, पर आज्ञा पालन मीन्स आज्ञा पालन। तो ऐसा भाई मैं आप क्या अनंत कथा है। तो प्रभु इन्हें गोपाल प्रभु के जीवन की जीवन को मैं देखता हूँ, समझता हूँ, जो भी मेरे से थोड़ा 5-10% समझ में आता है। उन्होंने फरमाया था कि इन्हें इतनी पीड़ा, इतनी वेदना और इतना कष्ट और इतना दुख उनके शरीर के ऊपर क्या क्या हुआ, ये सब आप लोगों को मालूम है।
उन्होंने ये कहा था कि सीता ना खोरिया थी लेने आज सुधी कोई पण सती है अटलू दुख ना बैठो जेटलो दुख में बैठो सीता ना को तो इसलिए अपन बस यही है कि ऐसे ऐसा परमात्मा अपने को मिला है तो अपन उसको खूब प्रेम करें और खूब अपना जीवन भी सुखी हो खूब आनंद हो और अपन अंतर में रमण करें बाहर न भटकें और अंतर में रमण करके अपना जीवन धन्य करें और अपने प्रभु का। और फिर ये भी कहा था साथ में, ये भी आप एक आखिरी बात सुन लीजिए कि मैं ये सब कुछ कष्ट क्यों उठा रही हूँ, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हूँ, ये सब कुछ मैं क्यों सहन कर रही हूँ, केम के मारे इमने दीपावे ने जवानी छे। तो बस अपना भी यही है भैया, मैं तो इतना कुछ समझता नहीं हूँ लेकिन मेरा तो बस यही निवेदन था, हाथ जोड़ू मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ कि अपने को सब कुछ करना है इसलिए करना है कि अपने प्रभु दीपे, अपने प्रभु को दीपाना है, अपने को ऐसा काम अपने करना है अपने प्रभु दीपे। हाँ अपन उनके शिष्य हैं और अपन अपने को देख करके अपने प्रभु दीपे, अपने प्रभु का नाम उज्ज्वल हो और सारी दुनिया देखे कि हमारा प्रभु कितना महान कितना बड़ा कितना कितना विराट था, ये यदि अपन करें तो अपना जीवन सफल हो सकता है और होगा जरूर होगा। सद्गुरु देव।